संसद में सरकार की मेहनत रंग लाई है, या फिर यूं कहें कि तमाम मुद्दों पर हंगामे के बाद आखिरकार ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का रास्ता साफ हो गया है। लोकसभा से हरी झंडी मिलने के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि राज्यसभा में बहुमत न होने के चलते सरकार को बिल पारित कराने में दिक्कतें आएंगी, लेकिन मोदी सरकार को कांग्रेस का साथ मिला और आखिरकार राज्यसभा से ही बिल पारित हो गया है। अब आपको बताते हैं कि दोनों सदनों से ओबीसी आयोग बिल जो पास हुआ है वो आखिर है क्या, और इस बिल के जरिए किस तरह से पिछड़े वर्ग की भलाई हो सकेगी। तो आपको बता दें कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद जहां उसे दंड देने का भी अधिकार मिल जाएगा, वहीं जातियों को केंद्रीय सूची में शामिल करने के प्रस्तावों पर भी फैसला ले सकेगा। अभी तक आयोग को ऐसे मामलों में सिर्फ विचार करने का हक था। इसके अलावा आयोग पिछड़ी जातियों की परेशानियों का निपटारा और मजबूती के साथ कर सकेगा। अब आपको बताते हैं कि आयोग में कितने सदस्य होंगे। इसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति नियम से तय होंगी। तो वहीं सिविल कोर्ट की शक्तियों से लैस आयोग न सिर्फ आरोपी को समन भेज सकता है बल्कि सजा भी दे सकता है।